बीते साल जब वरुण धवन और कटरीना कैफ के साथ कोरियोग्राफर कम डायरेक्टर रेमो डिसूजा ने अपने आगामी 3D डांस फिल्म का ऐलान किया था तो लोग फूले नहीं समाए थे। इसकी वजह थी इन दोनों क्लास एक्टर्स की जोड़ी। कटरीना कैफ और वरुण धवन दोनों ही शानदार डांसर हैं। वरुण धवन पहले भी रेमो डिसूजा की डांस फिल्म ABCD2 में अपनी डांस परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत चुके हैं, जबकि कटरीना कैफ के डांस के जलवे तो लगभग हर फिल्म में देखे ही जाते हैं। लेकिन अब कटरीना कैफ ने इस फिल्म को छोड़ दिया है। जी हाँ, कटरीना कैफ और वरुण धवन की जोड़ी को ऑन स्क्रीन देखने वाले फैंस के लिए ये दिल तोड़ने वाली खबर हो सकती है, लेकिन हुआ ऐसा ही। इस बात का खुलासा खुद एक्ट्रेस कटरीना कैफ ने किया है। कटरीना कैफ के प्रवक्ता ने एक बयान जारी करके इस बात का खुलासा किया है कि वो अब इस डांस फिल्म का हिस्सा नहीं है। प्रवक्ता के मुताबिक कटरीना कैफ ने रेमो डिसूजा की आने वाली डांस फिल्म को छोड़ने का फैसला किया है। इसकी वजह उनकी आने वाली फिल्म भारत का हेक्टिक शेड्यूल है। कटरीना हमेशा ही एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस रही हैं। उन्होंने इस फिल्म को छोड़ने का फैसला इसलिए किया है क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग की तारीखें उनकी भारत फिल्म की शूटिंग डेट से टकरा रही हैं, जिसकी वो इन दिनों शूटिंग में बिजी हैं। बता दें कि इस साल कटरीना कैफ की दो मल्टी स्टारर फिल्म रिलीज हुई थी। हाल ही में वो शाहरुख खान की जीरो फिल्म में नजर आई थी, तो वहीं आमिर खान की ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में भी उनकी मुख्य भूमिका थी। हालांकि ये दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल नहीं मचा पाई, लेकिन कटरीना के डांस के खूब चर्चे हुए थे। खैर, अब कटरीना कैफ जब इस डांस फिल्म का हिस्सा नहीं रही तो उनकी जगह इस फिल्म में कौन सी एक्ट्रेस लेगी, ये देखने वाली बात होगी। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नवप्रवाह लाइव।